लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। झारखंड में चौथे चरण में मतदान होना है, वहीं भाजपा के शीर्ष नेताओं का झारखंड दौरा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां सीएम मोहन ने कहा कि निर्वाचन के इस बेला में अगर मोदी जी के कार्यकाल का मूल्यांकन करेंगे तो सभी क्षेत्र के अंदर मोदी जी के सरकार का प्रभाव आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के अंदर 70 साल की समस्या का समाधान करके निकाल देना एक बड़ी बात होती है। साथ ही कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस लगातार करती आ रही है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने कहा था कि मंदिर बनेगा तो देश में खून की नदियां बहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर राम मंदिर बनने पर खुशियां मनाए। सुनता है अभी और कोई मौका होगा तो लंबी बात करेंगे, लेकिन निर्वाचन की इस बेला में 10 साल का मूल्यांकन अगर मोदी जी का करेंगे तो जीवन के वो सब क्षेत्र के अंदर मोदी जी की सरकार का प्रभाव आया, जिसके लिए इतने बड़े देश में 10 साल की समय सीमा बहुत कम पड़ती है, लेकिन बहुत जल्दी हम इस बात को देख लेंगे कि 10 साल के अंदर 70 साल की समस्याओं का समाधान करके निकाल देना और पूरे देश को एकजुटता के साथ साथ में रखना, ये अकेला कोई एक प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो श्रीमान यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से आज हमारे ऐसे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर निकल करके आए जिनके लिए कोई और सरकार होती तो उसको युगों लग जाते। मैं अपने तय कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे नई शिक्षा नीति लेकर के आए, यद्यपि शिक्षा नीति इसके पहले 2 बार और आई, एक बार दोनों संयोग ऐसे रहे कि जिन बार शिक्षा नीति आई, लेकिन शिक्षा नीति में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति को बार बार रिपीट करने का प्रयास किया कि शिक्षा नीति भारत सरकार की लागू हुई 2020 में और सबसे पहले लागू किया हमारे अपने प्रदेश में जब मैं स्वयं शिक्षा मंत्री था। हमने अपनी शिक्षा मंत्री से जैसे अंग्रेजों के समय से लगा करके कांग्रेस के समय तक, कितना दुर्भाग्य की बात कहेंगे।